हम जी अब अपने डेरे में जा रहे हैं मास्टर साहब के, और उन्होंने बुलाया कि हमारी दावत की है यहीं पर, हमने रकबे शकबे थे मास्टर एहसान साहब, और ये उनका डेरा है। ये तकरीबन 8 एकड़ नाल के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, और बाहर की ज़मीनें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पीछे जो आप खो देख रहे हैं, मेरे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, अंडे देती हैं। एक मुर्गियों का उन्होंने ये डेरा अंदर बनाया हुआ है, यहाँ चली जाती हैं। और ये ज़फ़र भाई जी रेस्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किन्नुओं के साथ इंसाफ किया। ज़फ़र मास्टर साहब के डेरे की छत पे खड़े, वो सामने मुलाजिम उनके बैठे हैं, और उन्होंने मुर्गी को ज़िबा करने के बाद सफाई कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए रोस्ट बना सकें। और गर्मियों में ये सामने इधर ये जी रामा डैम में दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ सर्दियों में शिकार नहीं लगा, लेकिन गर्मियों में बेहतरीन शिकार लगता है। ये पानी पेतल है, और जो मेन डैम है वो इस तरफ आ गया, तो सर्दियों में गहरे पानी में चली जाती है। ये जी मास्टर साहब ने छत के ऊपर पलंग छलंग बिछाए हुए हैं, बड़ा आइडियल माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा यहाँ पे अपना सेटअप बिछाया हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है आके। और ये लाइट है इनकी, इन्होंने मीटर शीटर लगाए हैं, और यहाँ रात के टाइम पे जब ये ऊपर बैठते हैं तो ये लाइट का इंतजाम भी इन्होंने किया हुआ है। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं भाई बस। और ये तैयब साहब बैठे हुए हैं, इसके पीछे सब्जियाँ लगी हुई, वो सड़क आ रही है, और इस सड़क से हम होकर आए हैं। ये ज़फ़र साहब और तैयब साहब, यहाँ इन्होंने गड्ढे में पानी पिया जी। देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आज भी पुरानी सकाफत और ट्रेडिशन बाकी है, और घड़े का पानी वैसे भी जो होता है ना, कई बीमारियों का इलाज होता है, और सिल्वर में पीना वैसे भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अच्छी अच्छी जीपें रह जाती हैं जी यहाँ पे, 74 लेकर आए हैं। 74 रहने की वजह ही है मेरी कि जब मैंने आप लोगों के साथ नारान कागान मालम दफ़ा आगे इन टूरिस्ट टूरों पर जाना है, तो वहाँ या तो मेरे पास जीप हो और यहाँ पर मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे पास इकोनॉमिकल मुझे रीज़नेबल। ये गाड़ी बड़ी है, मैंने ये गाड़ी तैयार की।